गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, थोड़ा घूम के आते हैं आसपास। ये टमाटर का पेड़ देखो, यहाँ पे इतना मिट्टी अच्छा है ना, इतना बड़ा हो गया है, छोटे छोटे फली भी लगा है। टमाटर खासी टमाटर है। सुबह सुबह आप लोगों को दीदी का फूल दिखाते हैं। ये देखिए इधर में फूल खिला है कोलियस। ओए खीरा देखने से डर लगता है मुझे। पानी डाल दिया फूल में सब में। आपके इधर तो बहुत कीड़ा रहता है, आप तो देखता भी नहीं, हम तो भाग जाए। वाओ बिगोनियो देखो फूल खिला है। और क्या क्या दिखाई सुबह सुबह आप लोगों को, ये देखो दीदी का फूल, इतना सारा फूल है दीदी के पास। दीदी ने भी मुझे बहुत दिया। ये देखिए इम्पेशन कितना बड़ा होके खिला है। वाओ हाँ, इधर पानी मिल रहा है तो कोने में, ये दीवार के किनारे में है इसका पौधा। ये देखो कीड़ा मारो इसको। यहाँ से छत से पानी बह रहा है। ये कैलाथिया देखो मिट्टी में लगा है, कितना अच्छे से ग्रो हुआ है। और बहुत सारा स्क्वाश लगा है इधर में, ये तो काला काला इधर भी। क्या मुर्गी को खाना देगा? कहाँ से कैसे देता दीदी, दिखाओ तो। बाहर निकले के ना, इधर ही रखा है उन लोग को, अंदर ही बाहर ही आना देता है। बाहर नहीं, अभी हम जाएगा फिर कौन इसका कौन देखेगा। ओ वो तो है, इधर भी स्क्वाश देखो कितना सारा झूला हुआ है। बिल्ली कुत्ता पकड़े के ना, ओए किचु 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 कर रहा है। खाओ खाओ। इन लोग को पत्ता भी काट के दो ना कभी कभी, देता है। मैं ना घर में सब्जी गरम करके आया, मैं भूल ही गया। दीदी कैसे बोला कि खाना बनाने जाती हूँ, तब याद आया। ये देखिए आए लोग, चल गया चल गया चल गया चल गया। मौसम बिल्कुल ठीक हो गया है दोस्तों। ये देखो कपड़ा, कपड़ा सूखेगा आज। आज कपड़ा भी धोना है, जूता वगैरह बहुत सारा काम है दोस्तों। और मेरा ये मिर्ची तोड़ दो क्या सोच रही हो, इसमें आज दवा देना पड़ेगा। उस दिन मैं दवा लाई हूँ। यहाँ पे देखो क्या लगा है, कुछ कीड़ा लगा है। ये देखिए सफ़ेद सफ़ेद कीड़ा, अंडा भी दिया है। छे वो यहाँ पे मेरा मिर्ची लगा है, इसको तोड़ेंगे। कपड़ा वपड़ा धोने के बाद मैं तो थोड़ा सो गई दोस्तों, अभी उठी जाके। कितना सो लिया, ठंडा भी लग गया था, धूप निकला हुआ है अभी भी, अच्छा है। दीदी और ईद खेत में क्या कर रही है देखते हो। ईद ये देखो दीदी काम कर रही है यहाँ पे खेती में। मिर्ची लगा है, सुंदर छोटा छोटा घास है मिर्ची का। किंचली देखोगे दोस्तों बड़ा बड़ा लगा है, ये देखिए मोटी मोटी लगा है, सुंदर सुंदर करके लगा है। ये देखिए बहुत सारा किंचली लगा है मोटे मोटे करके, इधर भी लगा है। देखिए एक ही डाली में कितना कितना लगा है, ये देखिए पता भी नहीं लग रहा है, बहुत सारा है। कोई बच्चा आया है देखो इधर में, कौन है मुझे पता नहीं, ईद के साथ खेलेगा अभी। इसको फूल दिया है लाके। छोटा सा ओए प्यारा सा देखो है। हेलो हाय, अभी चलना सीखा है जैसा। और देखो नीचे कैसे जा रहा है, देखो देखो देखो। अरे 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 कैसे जा रहा है देखो, स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। देखो कैसे जाता है, चलो चलो चलो। अभी हम लोग जाएंगे जंगल, तीन दिन से हम लोग बस जायोर ही तोड़ रहे हैं। वो जायोर तोड़ने के लिए दीदी बोला चलो, तो मैंने ये ले लिया। ज़्यादा है नहीं अभी, और थोड़ा सा ही है। मेरे जंगल के ग्रुप देखो दीदी लोग आ रहे हैं। आ गया हम लोग अपने जंगल में, जो कि यहाँ हमेशा बम्बू शूट कुछ ना कुछ तोड़ के ले जाते हैं।
और हम लोग आज ये जायूर के चक्कर में आया था। ये देखो किसी ने तोड़ दिया, देखो दीदी लोग तोड़ रहे हैं। इसमें बहुत कांटेदार है, कांटेदार। ये देखिए मोटे मोटे कांटा, देखिए ओह माय गॉड, ये कांटा इतना लगता है। ये देखो कांटा ही कांटा है। कांटा वाला पेड़ का फल बहुत टेस्टी होता है ना दीदी? मेहनत भी करने पड़ेगा। हाँ और क्या। वो दीदी यहाँ पे केला काट रहा है, केला धूम करके गिरेगा अभी। क्या तो है, केला का फूल है या केला है समझ में नहीं आया। ओ ये लेने के लिए आया। केला भी है ना दीदी? ओ वाव बहुत बड़ा है। ये देखो केला है, सब्जी खाने वाला केला है। सब्जी खाना है ना दीदी? ये सब्जी खाने वाला कौन से बन रहा है? ये देखो दूसरा पेड़ काटा। ढोड़ोम ये देखो दूसरा बनाना फ्लावर मिला। आंखा मुया स्नू तो इको मुया फाइनल बम्बू शूट देखा मुझे उस दिन, तो इधर आया नहीं नीचे की तरफ। इको मुया अरे इको इको मुया को ना सारा मिला। चलो चलो देखो कितना सारा मिला है। बम्बू शूट, केला का फूल, बहुत सारा मिला। अभी घर पहुंच गया है दोस्तों, तो मैं अभी थोड़ा चाय बनाऊंगी। वो दीदी आए हुए हैं इधर ही, तो थोड़ा सूजी और मीठा आलू है ना वो डाल के, थोड़ा मैदा और चावल का क्या बोलते हैं इसको पेस्ट डाल के कुछ बनाती हूँ। ये है मेरा मिश्रण सूजी और ये मीठा आलू है। अभी इसमें कुछ चीनी वीनी डालूंगी फिर बनाती हूँ। ये बन गया है मेरा पिठाले का दो। ये तेल गर्म हो रहा है, पहले का पुराना तेल है और ये चाय बनेगा। देखिए फ्राई भी हो गया है, दूध भी डल रहा है चाय में। हो जाएगा क्या दो? बन गया है मेरा गर्मा गर्म चाय और ये नाश्ता खाने का। यू पर लो लोग। और देखो हम लोग को क्या क्या मिला। बम्बू शूट फिर से, ये क्या नाम था दीदी इसका नाम? जायूर। जायूर मिला, केला का फूल, केला का फल, कितना सारा मिला। इधर भी देखो जायूर, इधर भी। और ये मैंने तोड़ा है और ये थोड़ा साग दीदी ने तोड़ा है। यही सब है, ये देखो केला का फूल, ये सब है। बहुत ताज़ा ताज़ा सब्जी, हेल्दी हेल्दी खाना खाएंगे हम लोग। अभी हम लोग चाय पियेंगे इसके साथ। अभी बनाया है ये मैं गरम गरम, इतना जल्दी में मैंने बनाया। ये क्या बोलते इसको, चीनी तक घुला नहीं सोचो। इसका भी अलग ही फ्लेवर है, अच्छा लगता है चीनी का। देखो हमारे चाय पीने वाले ग्रुप, दीदी का मुंह तो पूरा लाल हो गया। उसका मेरा हाँ देखो पूरा लाल हो गया। दोपहर का 12:30 बजने वाला है, अभी बज ही गया पूरा। देखो मधुमक्खी आया है, सब्जी काट रही हूँ मैं थोड़ा बैठे बैठे। ये देखो क्या हुआ है, भूल गया मैं, छोड़ के गया था। वाह 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 वाह, जल गया, इतना बातों में खो गया। दिखा देती हूँ मैं दीदी लोगों को। अलीजा मम्मी, मैं मन ही मन में सोचा गैस ऑफ किया कि नहीं, आपके लिए ये फ्राई कर रहा था, ये जल गया देखो। आपके लिए ये खाओ अभी। देखो कितना काला हो गया। ओह माय गॉड, मत पकड़ो, अरे जल जाएगा। हाँ कोयला जैसा हो गया। देखो दीदी मेरे बारिंदा साफ कर रही है। यहाँ पे इतना कीड़ा था ना, एक दो कीड़ा मिले दीदी, कीड़ा 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 पैर में लगेगा, इसलिए मुझे डर लगता है, इसलिए मेरे को इतना डर लगता है यहाँ पे कोने में आने के लिए भी। पूरा ये हम लोग सफाई करेंगे। ये देखो कीड़ा है, इतना डर लगता है मुझे। उनको थोड़ा फूल भी दिखा देते हैं आप लोग को, इसी के बाद मैं ब्लॉग एंडिंग करूँगी। और ये मेरा ट्रेडिशनल छाता, खासी छाता। ये देखिए दोस्तों ये फूल क्या हो गया, खराब हो गया है। ये तो ऐसे ही टूट गया है, ये देखिए।
और ये बाहर में था इतना दिन, ऐसे ऐसे हो गया है, टिप टप सा हो गया, खराब सा। ये भी तो सुंदर सुंदर खिल रखा है, एक वाइट भी खिला हुआ है, प्यारा प्यारा हो रखा है ना दोस्तों। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग एंडिंग करते हैं दोस्तों, मिलते हैं कल के नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सबको बाय बाय। यहाँ पे नया पत्ता आया है, इसका मतलब नया फ्लावर भी आएगा, इसके नीचे से आएगा। और ये पर्पल देखिए कितना सुंदर हो रखा है।